हाय गाइस, माय नेम इज सचिन निगम और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि केविन फाइगी ने इंफिनिटी वॉर फर्स्ट पार्ट के बारे में क्या कहा है और सोल स्टोन हमें थॉर रैग्नारोक में देखने को क्यों नहीं मिला। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें थॉर रैग्नारोक के अंदर सोल स्टोन नहीं दिखाया गया, सोल स्टोन मूवी में से हटा लिया गया था, ऐसा रिपोर्ट्स आ रही हैं। ओरिजिनली सोल स्टोन मूवी के अंदर दिखाया जाना था बट मार्वल के प्लान्स चेंज हो गए। एक्चुअली केविन फाइगी ने हमें ये बताया एक इंटरव्यू के अंदर कि ये बात कंफर्म नहीं थी कि थॉर रैग्नारोक में सोल स्टोन दिखाना जाएगा या दिखाया जाएगा, इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं थी। बट फैंस ने और काफ़ी यूट्यूब चैनल ने ये पहले से स्पेकुलेट कर लिया था कि हमें सोल स्टोन जो देखने को मिलेगा वो थॉर रैग्नारोक में देखने को मिलेगा, बिकॉज उसके बाद अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर तक कोई ऐसी मूवी नहीं है ब्लैक पैंथर को छोड़कर जिसमें हमें सोल स्टोन का लिंक दिखाया जाए। बट आखिरकार थॉर रैग्नारोक मूवी के अंदर में कुछ भी नहीं दिखाया गया। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं कि कौन सा स्टोन कहाँ पर है। पहला स्टोन है टेसरैक्ट, जिसको हम स्पेस स्टोन भी कहते हैं। स्पेस स्टोन थॉर रैग्नारोक के एंड में लोकी लेके जा चुका है, इस बात की कंफर्मेशन हमें इन्फिनिटी वॉर के अंदर डेफिनेटली मिल जाएगी। तो ये तो हुआ टेसरैक्ट। सेकंड स्टोन आता है पावर स्टोन। पावर स्टोन नोवा कॉर्प्स के पास है, जो उन्होंने अपनी तिजोरी के अंदर संभाल के रखा हुआ है ज़ेंडोर ग्रह पर, जिसको नोवा प्राइम ने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। तीसरा जो स्टोन आता है वो है माइंड स्टोन। माइंड स्टोन हम सब जानते हैं वो विजन के फोर हेड के अंदर है, जिसकी रक्षा भी विजन, उसको निकाल लिया जाए तो शायद विजन मर सकता है। उसके बाद चौथा स्टोन होता है टाइम स्टोन। टाइम स्टोन अभी कामर ताज के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है और डॉक्टर स्ट्रेंज को वील्ड करके चल रहा है, वही जो है वो टाइम स्टोन को मैनेज कर रहा है। और इस तरह से हमें चार रियलिटी स्टोन्स के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद फाइव इन्फिनिटी वो स्टोन के बारे में बात करें तो दैट इज़ रियलिटी स्टोन, जो कि हमने ईथर थॉर द डार्क वर्ल्ड के अंदर देखा था। ये रियलिटी स्टोन कलेक्टर के पास है, लेकिन कलेक्टर की जो लैब है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के अंदर। तो अभी कन्फर्मेशन इस बात की नहीं है कि ईथर कहाँ होगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी शायद कलेक्टर के पास, बिकॉज कलेक्टर जो है वो एक यूनिवर्स का एल्डर है तो उसको इतनी आसानी से हराना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो ईथर है वो डेफिनेटली कलेक्टर के पास ही है। तो ये तो हो गए फाइव स्टोन। अब बात आती है सिक्स इन्फिनिटी स्टोन, जिसके बारे में काफ़ी हाइप थी, दैट इज़ सोल स्टोन। केविन फाइगी ने हमें ये बताया इंटरव्यू के अंदर कि सोल स्टोन की जो स्टोरी है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि थानोस उसको किस तरह से कैप्चर करता है। ये मूवी इन्फिनिटी वॉर फर्स्ट पार्ट जो होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर डिपेंड करेगा कि थानोस जगह जगह जाकर सारे स्टोन्स को असेंबल करेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर प्रोमो आर्ट में हमें ब्लैक ऑर्डर भी दिखाया गया था, तो ऐसा हो सकता है कि थानोस एक एक मेंबर को एक एक जगह भेजकर वहां से वो इन्फिनिटी स्टोन लेने के लिए बोले। तो एक जो इबनी मॉ है वो शायद जा सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, बिकॉज कॉमिक्स के अंदर उन दोनों का काफ़ी अच्छा हमने कॉम्बिनेशन लड़ाई का देखा है, और बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं जिसकी अभी तक कोई कंफर्मेशन तो नहीं है। बट हाँ, केविन फाइगी ने ये ज़रूर कहा है कि ये हाइस्ट मूवी की तरह होने वाली है। थॉर रैग्नारोक में सोल स्टोन ना देखने की वजह से काफ़ी फैंस नाराज़ हैं। तो बस अभी मैं फ़िलहाल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि हमें लास्ट इन्फिनिटी स्टोन जो कि सोल स्टोन है वो कहाँ देखने को मिलेगा, और क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि केविन फाइगी ने कहा है कि ये जो इन्फिनिटी वॉर का फर्स्ट पार्ट होने वाला है ये एक हाइस्ट मूवी की तरह होगी जिसमें थानोस जगह जगह जाकर सारे इन्फिनिटी जेम्स को असेंबल करेगा, क्योंकि एक ही जगह पर सारे इन्फिनिटी स्टोन नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर एक लाइक करेगा बड़ा अच्छा, और अगर आपको वीडियो और भी देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम सचिन निगम एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय नाउ।